हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं हूं आदित्य मिश्रा, आप देख रहे हैं रॉयल इंडियन चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द 100 का मैच नंबर 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनी है, वीडियो में फुल स्टैट्स इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। मैच जो होने वाला है, ये मैच होगा LNS वर्सेज जो है WEF के बीच में, लंदन स्पिरिट वर्सेज जो है वेल्स फायर के बीच में ये मैच होगा। मैच नंबर 10 है द 100 का और मैच जो है शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। मैच कहाँ पे होगा, तो ये मैच होने वाला है लॉर्ड्स लंदन, लंदन के जो है वेन्यू पे। इसी वेन्यू पर जो है सेम 4 बजे से जो है वुमेन्स के भी मैचेस खेले जाएंगे। इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने जो है चैनल पे डाल रखी है, तो आप वो वाली वीडियो भी जो है जरूर से देख लीजिएगा। वेन्यू स्टैट्स की बात की जाए, इस वेन्यू पे टोटल जो है 14 मैचेस हुए हैं T20 इंटरनेशनल। 9 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 5 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। एवरेज स्कोर 150 रन है, हाईएस्ट स्कोर देखोगे 195 का है, लोवेस्ट स्कोर अगर आप देखोगे 92 रन है। लास्ट 5 मैचेस में अगर आप देखोगे तो भाई 39 विकेट यहां पर जो है फास्ट बॉलर को मिली है और 21 विकेट जो है स्पिनर को मिली है। तो यहां पर कंपेयर टू स्पिनर फास्ट बॉलर को जो है ज्यादा विकेट्स मिलती है और स्पिनर्स को थोड़े से कम विकेट मिलती है। वेन्यू काफी शानदार है भाई, वेन्यू जो है बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, यहाँ पर आप जो है उसकी फोटो भी देख सकते हैं। अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेन्यू पर जो लास्ट मैचेस खेले गए हैं उसके बारे में। तो वेन्यू पर जो लास्ट मैच खेला गया था ना, ये 2024 में एक रिसेंटली मैच खेला गया था, रन जो है थोड़े से कम बने थे आप यहां पर जो है देख सकते हो। बाकी 13 विकेट यहां पर टोटल गिरे थे, 11 विकेट फास्ट बॉलर, 2 विकेट जो है स्पिनर्स को मिले थे। यहां पर 2023 में जो मैच हुआ था उसमें 8 विकेट फास्ट बॉलर, 4 विकेट स्पिनर और इस मैच में भी जो है 12 विकेट गिरे थे। तो लगभग 13-14 विकेट गिर रहे हैं, 100-100 बॉलों का ये गेम हो रहा है। तो और यहां पर आपको जो है बता दें कि फास्ट बॉलर को जो है ज्यादा विकेट मिलते हुए जो है देखे गए हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं वीडियो में जो है हेड टू हेड के रिकॉर्ड की। तो देखो यार, हेड टू हेड के रिकॉर्ड में देखोगे टोटल जो है 3 इनके बीच में मैचेस हुए हैं। 1 बार लंदन स्प्रिट की टीम ने विन किया है और 2 बार वेल्स फायर की टीम ने विन किया है। तो हेड टू हेड के जो है यहां पर हेड टू हेड में अगर आप देखोगे वेल्स फायर की टीम जो है थोड़ी सी अच्छी यहां पर ऑन पेपर आपको दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं LNS की प्लेइंग 11 की। LNS की प्लेइंग 11 दिखाने से पहले आपको बता दें, LNS की टीम ने यानी कि लंदन स्प्रिट की टीम ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैच ये टीम जो है हार के आ रही है। प्लेइंग 11 इनकी क्या रहेगी, तो प्लेइंग 11 हम आपको दिखा देते हैं। डी बेल डोरमंड के साथ में जो है एडम रोसिंगटन आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। 1 डाउन पे जो है माइकल पेपर है, उसके बाद डी लॉरेंस है, फिर सिमरन हिटमायर है, आर हिंग्स है, लैम डेविनसन है, उसके बाद जो है आंद्रे रसेल है, नाथन इल्स है, ओली स्टोन है और डी वॉरेल है। तो ये जो है लंदन स्प्रिट की जो है प्लेइंग 11 है। प्लेइंग 11 तो हो गई, अब प्लेयर के स्टैट्स की बात करते हैं। डी बेल डोरमंड का अगर आप देखोगे तो भाई लास्ट मैच में जो है अगर आप देखोगे 58 करके आ रहा है, जबकि जो है इन्होंने हेड टू हेड में एक ही मैच खेला है जिसमें जो है 12 रन किए हैं और वेन्यू पर 2 मैचेस जिसमें जो है 18 रन इनके किए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूं एडम रोसिंगटन की, तो रोसिंगटन का आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हो यार, बिल्कुल ही पुअर सा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई 150 प्लस की इनिंग्स जरूर से है और यहां पर 41 की है, लेकिन रिसेंट में अगर आप देखोगे ना तो ये 3 जो मैचेस है तो वहां पर 0 और 1 रन 1 रन है। हेड टू हेड में 3 मैचेस में 50 रन है, 16 का एवरेज है। वेन्यू पर 11 मैचेस में 19 का एवरेज है। तो रिकॉर्ड उतना कुछ अच्छा इनका जो है नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं माइकल पेपर की, तो माइकल पेपर अगर आप रिसेंट में देखोगे तो भाई इनका फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। ये वाली इनिंग्स छोड़ देना, ये 3 इनिंग्स आप देखो कुछ खास नहीं है। हेड टू हेड में जो है आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, बाकी वेन्यू पर 2 मैचेस खेला है, सिर्फ जो है 20 रन है, तो वेन्यू पर भी इनका आपको पुअर रिकॉर्ड देखने के लिए मिलता है। डी लॉरेंस की बात करें तो बैट बॉल दोनों करता है बंदा और इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छी ऑप्शन है। हेड टू हेड के रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे तो 2 मैचेस में जो है 43 रन है और 4 विकेट है। वेन्यू पर 7 मैचेस में 189 रन है और 4 विकेट है। तो डिसेंट सा जो है इनका स्टैट्स है, लेकिन CBC कर सकते हो, बढ़िया ऑप्शन जो है रहने वाले हैं, मैक्सिमम लोग अपनी टीम में इनको लेके आने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूं तो भाई सिमरन हिटमायर जो है एज अ फिनिशर काम करते हैं। ग्रैंड लीग की टीम में इनको ट्राई करना, स्मॉल लीग में तो भाई इनको इग्नोर ही करके आप जाना। रियान अगर मैं हिंग्स की बात करूं तो ये बंदा बैट बॉल दोनों कर लेता है और आपको बता दें कि ये अच्छी बॉल के लिए जो है जाना जाता है। और जो है रिसेंट फॉर्म इनका हमने लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो, पहला मैच खेले थे उसमें जो है विकेट लेस रहे थे। लैम डेविनसन बढ़िया ऑप्शन है भाई, 36 रन प्लस 2 विकेट, लास्ट मैच में उसके पहले 45 रन किया, तो देख सकते हो बैट से भी बंदा स्कोर कर रहा है और जो है ये विकेट भी निकालता है, तो ध्यान रखिएगा अच्छी ऑप्शन है। स्पिनर्स को जो है इस वेन्यू पर विकेट भी मिलती है और ये बंदा काफी अच्छी जो है स्पिन गेंदबाजी करता है। इसके अलावा आंद्रे रसेल की अगर मैं बात करूं तो भाई रसेल बैट से परफॉर्म किया है, अगर आप देखोगे 13 रन 0 विकेट, 37 रन 0 विकेट, लेकिन वही है कि भाई बॉल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और रसेल जो है बॉलिंग के लिए जो हम प्रेफर करते हैं।
हेड टू हेड में आप रिकॉर्ड देख सकते हो, एक ही मैच है 17 रन है, एक विकेट है, वेन्यू पर दो मैच में 42 रन है, कोई विकेट नहीं है। नाथन एलिस की अगर मैं बात करूं, नाथन एलिस का आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, हर मैच में लगभग बंदा विकेट निकाल के लेके जाता है, तो अच्छी ऑप्शन मैं बोलूंगा। यहाँ पे हेड टू हेड में रिकॉर्ड भले ही पुअर हो, वेन्यू पर भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन जो है भाई बंदा अच्छा है और अपनी टीम में आप इसको जो है रख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करूं तो भाई ओली स्टोन है, इनको इग्नोर करके आप जा सकते हो, लास्ट मैच में लेकिन दो विकेट लेके आ रहा है। डी वोरेल जो है ग्रैंड की बहुत बढ़िया पिक आपको मिलती है, गुच्छों में बंदा विकेट निकालता है, लास्ट मैच में दो विकेट इनको भी मिला, हेड टू हेड में रिकॉर्ड काफी अच्छा है, एक मैच में तीन विकेट है, और वेन्यू पर भी अगर आप देखोगे पांच मैचेस में सात विकेट है, तो वेन्यू पर भी अगर आप देखोगे तो भाई इनका जो है अच्छा रिकॉर्ड है। अब इसके बाद आते हैं जैक क्रॉली का आप यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, साथ ही साथ हमने जो है इनके हेड टू हेड के रिकॉर्ड वेन्यू रिकॉर्ड भी जो है डाले हुए हैं। रवि बुपारा हैं, ये सारे बेंच पे इनके प्लेयर्स रहने वाले हैं, बेंच के प्लेयर्स के हमने भी जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं स्टैट्स, जैमी निशम के हो गए, रिचर्ड ग्लेसन के हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है प्लेइंग इलेवन WEF की, यानी कि वेल्स फायर की प्लेइंग इलेवन। टॉम कोलर कार्डमोर के साथ में जॉनी बेरिस्टो आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, वन डाउन पे जोए क्लार्क है, उसके बाद टॉम एबेल है, फिर यहाँ पर गैलन फ्लिप्स है, लुक वेल्स है, डेविड विली है, डी पाइने है, मैसू क्रेन है, जोसवा लिटिल है और जैक बॉल है। तो ये जो है वेलिंगटन फायरबर्ड्स की जो है प्लेइंग इलेवन है, और मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये टीम बैट से भी अच्छी है और बॉल से तो अच्छी है ही है। बॉलिंग में इनके पास काफी अच्छी अच्छी ऑप्शन है, जैसे कि जैक बॉल हो गए, जोसवा लिटिल हो गए, डेविड पाइने हो गए, डेविड विली हो गए, तो काफी अच्छे अच्छे जो है इनके पास बॉलर्स हैं। और यहां पर जो है देखोगे तो भाई जॉनी बेरिस्टो है, जोए क्लार्क है, गैलन फ्लिप्स है, लुक वेल्स है, तो अच्छे अच्छे इनकी टीम बहुत ही बेहतरीन है, और इनकी टीम को आपको जो है फेवरेट करके अपनी टीम जो है क्रिएट करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है इन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, तो भाई इन्होंने दो मैचेस अभी तक खेले हैं, एक मैच विन किया है, एक मैच लॉस किया है, तो देख सकते हो लास्ट वाला मैच इन्होंने विन किया है, उसके पहले मैच जो है ये लॉस कर गए थे। प्लेयर की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां पर इनके रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, भाई रिसेंट फॉर्म में कुछ खास नहीं है। टॉम कोलर कार्डमोर का राइट हैंडेड बैट करता है, हेड टू हेड में दो मैचेस हैं, 74 रन है 37 की एवरेज से, वेन्यू पर जो है दो मैचेस खेले हैं, 51 रन है 25 की एवरेज से। जॉनी बेरिस्टो की बात करें भाई बढ़िया ऑप्शन है, और जॉनी बेरिस्टो भाई यही है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बाकी आप अपने टीम में इनको कंसिडर कर सकते हो। हेड टू हेड में एक ही मैच है जिसमें जो है 41 रन इन्होंने किया हुआ है। जोए क्लार्क की अगर हम बात करें, जोए क्लार्क तीन मैचेस से 11 रन, और अगर आप देखोगे वेन्यू पर एक मैच में 9 रन, रिकॉर्ड काफी पुअर है, और अगर आप रिसेंट फॉर्म में भी देखोगे ना तो 33 रन 39 रन 23 रन की इनिंग्स है, लेकिन ये डक वाला भी इनिंग्स आप मत भूलना कि जीरो पर जो है दो बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद आता है टॉम अबेल, इग्नोर करके जाना भाई, और जो है गैलन फ्लिप्स को अपनी टीम में आप ट्राई कर सकते हो, बंदा बॉलिंग करता है तो उस कंडीशन में यह अच्छी ऑप्शन जो है हो सकता है। इसके बाद आते हैं कौन से प्लेयर, लुक वेल्स। भाई लुक वेल्स अगर ओपन कर देना तो मैं आपको बताऊंगा ये मिनी ग्रैंड लीग आपको उस दिन जो है, और ग्रैंड लीग की टीम में आप डायरेक्टली जो है इसको कैप्टन कर देना, अगर ये ओपन करे या वन डाउन पे आए तो बहुत खतरनाक जो है इनिंग्स खेल जाता है ये बंदा, और ये बंदा मुझे काफी पसंद है, मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स में इसको ट्राई करूंगा, स्मॉल लीग में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि बैट ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है। डेविड विली बढ़िया फॉर्म में है, अगर आप देखोगे बंदा हर मैच में विकेट लेके जा रहा है और जबरदस्त फॉर्म में है, दो विकेट तीन विकेट दो विकेट दो विकेट, और भाई रन भी करता है ये बंदा, तो ये जो है बंदा काफी कमाल का है मेरे भाई। आप हमने लास्ट मैच में मिनी जीएल में इनको जो है वाइस कैप्टन किया था। डेविड पाइने बढ़िया ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, अगर आप देखोगे तो भाई जो है ये विकेट निकालते हैं हर मैच में लगभग, हेड टू हेड के दो मैचेस में दो विकेट है, वेन्यू पर एक मैच में कोई विकेट नहीं है। मैसू क्रेन अगर आप देखोगे लेग स्पिन जो है बॉलिंग कराते हैं, ज्यादा विकेट्स मिलने के चांसेस नहीं है, तो इनको डायरेक्टली जो है आप इग्नोर कर सकते हो, मत रखना अपने टीम में। जोसवा लिटिल को लेके जा सकते हो, अच्छी ऑप्शन है, अगर पहले बॉल आती है तो फर्स्ट बॉल में जरूरी है आप रख सकते हो। जैक बॉल अच्छे फॉर्म में है, तीन विकेट और एक विकेट, तो देख सकते हो भाई विकेट लेके आ रहा है और बढ़िया ऑप्शन है भाई, अपनी टीम में आप रख सकते हो। हेड टू हेड के एक मैच में एक विकेट है और वेन्यू पर भी जो है एक मैच में एक विकेट है। जैक बॉल मुझे बढ़िया जो है बॉलर लगता है, राइट आर्म फास्ट जो है गेंदबाजी जो है डालता है। इनके जो बेंच पे प्लेयर्स है उसमें जो है स्टीफन स्केंजी आते हैं, तवातोड़ बैट करते हैं, ध्यान रखिएगा अगर खेल गए तो अपनी टीम में आप सीबीसी भी कर सकते हो, T20 ब्लास्ट के स्टार प्लेयर है। वॉन्डेर में वार ये जो है ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, इग्नोर करके इनको जा सकते हो। चलिए स्टैट्स की बात हो गई, अब ड्रीम इलेवन पे चलते हैं जहां पे अपनी जो है ग्रैंड लीग की सॉरी स्मॉल लीग की जो है टीम रेडी करेंगे, थ्री मेंबर और फोर मेंबर। तो भाई LNS वर्सेस WEF की अपनी जो है टीम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं, जो की हमारी थ्री मेंबर और फोर मेंबर की टीम रहेगी। यहाँ पर आपको जो है जॉनी बेरिस्टो, माइकल पेपर, जोए क्लार्क और एडम रोसिंगटन, चार ऑप्शंस मिलती है।
चारों जो है बेस्ट ऑप्शन है, एक ग्रैंडी की टीम ऐसी बनाना जिसमें चारों को लेके जाना। फिलहाल जॉनी बेरिस्टो और जो है एम पेपर को मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। डी लॉरेंस को मैंने अपनी टीम में लिया है, यहाँ पे गैलन फिप्स को मैं नहीं लेके जाऊंगा, बाकी को इग्नोर करूंगा। रसेल को लिया है, डेविड विली को अपनी टीम में लिया है, लैम डेविनसन को अपनी टीम में लिया है, ये दो बहुत अच्छी आपको ऑप्शंस मिलती है। आर हिनिंग्स और लुक वेल्स, लुक जो है काफी कम लेके आएंगे अपनी टीम में, ग्रैंडी की टीम में इनको ट्राई कर लेना मेरे भाई, बढ़िया ऑप्शन जो है रहने वाले हैं। मैं भी अपनी टीम में नहीं ले पाया हूं क्योंकि हमारे पास अदर जो है अच्छी ऑप्शंस हैं, हम उनको अपनी टीम में यहां पर रखने वाले हैं। नाथन एलिस को मैंने अपनी टीम में लिया है, डेविड बाइनो को लिया है, जैक बॉल को अपनी टीम में लिया है, जोशुआ लिटिल को अपनी टीम में लिया है और डी वॉरेल को अपनी टीम में लिया है। ज्यादा बॉलर्स मैंने अपनी टीम में जो है भरे हुए हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो रसेल मेरे कैप्टन रहेंगे और वाइस कैप्टन यहां पर डेविड विली रहने वाले हैं। अब टीम प्रीव्यू आपको दिखा देते हैं गाइस। अगर टीम प्रीव्यू की बात की जाए, जॉनी बेरिस्टो हमारी टीम में, माइकल पेपर है, डी लॉरेंस है, डी लॉरेंस को भी जो है आप सीबीसी कर सकते हो, बढ़िया ऑप्शन ये भी रहने वाले हैं। आंद्रे रसेल है हमारी टीम में, लैम डेविनसन है, डेविड विली है, डी वॉरेल है, डेविड पाइने है, जैक बॉल है, जोशुआ लिटिल है और नाथन एलिस है। तो छह प्लेयर मैंने लंदन स्प्लिट के लिए है, पांच प्लेयर मैंने जो है वेल्स फायर के लिए है। ये हमारी टीम रहने वाली है द 100 मैच के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ऐसे ही चैनल को देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।